बरेली में तनाव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर बवाल हुआ था, लेकिन इस बार धार्मिक पोस्ट को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। मामले में पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। बरेली के शीशगढ़ थाने इलाके में सोशल मीडिया पर विवादित धार्मिक पोस्ट को लेकर विवाद छिड़ गया था। बताया जा रहा है कि एक हिंदू छात्र ने सोशल मीडिया पर किसी इस्लाम से जुड़ी पोस्ट पर कमेंट किया था। वहीं जवाब में दूसरे मुस्लिम नाबालिग छात्र ने भी हिंदू देवी देवताओं को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया। वहीं गुस्साए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू छात्र के घर पर हमला बोल दिया। सूचना मिलने पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला बोला, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मामले में फिलहाल दोनों नाबालिग छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मामला यही नहीं थमा। हिंदू छात्र के परिजनों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय ने फिर हमला करने की धमकी दी है। कुछ लड़कों ने अपने भगवान के नाम पे, राम के नाम पे गलत अश्लील ऑडियो भेजी, भगवान के नाम पे गलत SMS भेजे हैं, जो स्क्रीन शॉट मेरे पास हैं अभी भी। और आज रात 10 बजे फिर धरना देने का फिर वो प्रदर्शन करने का फिर एक स्क्रीन शॉट कुछ लड़कों ने लगाया है अपने इंस्टा पे। वहीं जिस नाबालिग छात्र ने देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी की थी, वो शीशगढ़ नगर पंचायत की सपा से चेयरमैन नीलोफर का भतीजा है। वहीं इस मामले में सपा चेयरमैन नीलोफर के पति ने क्या कहा, आप भी सुनिए। शांति व्यवस्था है और इस शीशगढ़ के अंदर मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा और प्यार प्रेम भाव जो आज तक देखने मिला है, इस शीशगढ़ की मिसालें दी जाती थी। ज़रूर कोई ना कोई इस शीशगढ़ पे अपनी बुरी नज़र रखे हुए है, और उन लोगों के प्रशासन ने फुटेज अपने जो है मोबाइल में वीडियो में चिन्हित कर लिए हैं, और ऐसे खुरापाती लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन कर रहा है। और हम ऐसे खुरापातियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हम पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। इस पूरे मामले में SP ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि हिंदू छात्र के घर हमला करने वाले करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी लोगों की CCTV फुटेज के आधार पर पहचान जारी है। इस संदर्भ में दोनों किशोरों को बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में रखा गया है। उग्र प्रदर्शन करने वाले लगभग 2 दर्जन लोगों को हमने हिरासत में लिया है। CCTV फुटेज और जो हमारे पास वीडियोज हैं उसके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इनके द्वारा ये उग्र प्रदर्शन किया है, उनको चिन्हित करके जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ कस्बे में शांति है, किंतु एहतियात के तौर पर हमारे द्वारा सिविल पुलिस के साथ साथ PSC और RAF का डिप्लॉयमेंट किया गया। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में एहतियातन पुलिस PAC और RAF को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस को कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करने पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।